हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है? और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक जो आपका चैप्टर जो था वर्क एनर्जी एंड पावर, उसी से रिलेटेड है। उसमें बच्चों को डाउट आ रहा था कि थोड़ा सा लेंथी टाइप टॉपिक था वो, तो हम उसको ही रिवाइज करते हैं आज की क्लास के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। टॉपिक का नाम है फ्री फॉल, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर से। किसमें से बेटा? वर्क एनर्जी एंड पावर, इसी चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है और फिर से देखते हैं इसको, एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग बेटा। देखो, फ्री फॉल का मतलब समझना पहले। फ्री फॉल एक स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की। फ्री फॉल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है बेटा? सबसे पहली चीज स्टेट है। क्या है बेटा? स्टेट है। और कौन सी स्टेट है जिसमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करे बेटा? एक्ट करे। ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बेटा? उसके ऊपर एक्ट करेगा। बात समझ आई क्या बोला मैंने? और कोई भी फोर्स, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने इसको एक दो कंडीशन बता रहा हूँ, मैंने इसको नीचे फेंका, नीचे जब फेंकूंगा तो हाथ से भी मस्कुलर फोर्स लग रहा होगा और नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। बात समझ आई? लेकिन मैंने उसको फेंक नहीं रहा हूँ, पहली कंडीशन में फेंका, दूसरा मैंने इसको छोड़ दिया इस तरीके से, तो जैसे ही छोड़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट करेगा उसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। बात समझ आई? तो ऐसी स्टेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा हो, उस स्टेट को मैं क्या बोल दूंगा? फ्री फॉल बोल दूंगा। आई होप समझ आया होगा। मतलब वो स्टेट जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे और कोई भी फोर्स एक्ट ना करे, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? फ्री फॉल बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो, फ्री फॉल का एक डेरिवेशन है जिसमें लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इधर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये देखो, ये एक सरफेस है, ठीक है, मेरे पास में एक अर्थ सरफेस है, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, ऑब्जेक्ट का मास कितना अपने पास में? m। और इसकी अर्थ सरफेस से हाइट मैंने मानी है बेटा कितनी? h मैंने उसकी क्या मान ली? हाइट मान ली। कि अर्थ सरफेस से h हाइट पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इस h हाइट पे उसकी पोजीशन है a, h हाइट पे उसकी पोजीशन क्या है बेटा? a है, ठीक है। तो अब जब वो नीचे की तरफ गिरता हुआ आएगा, फॉल करता हुआ आएगा, तो मैंने उसकी तीन कंडीशंस मेजर करी। यहां से वो एक आ गया यहां पे b पोजीशन पे, और तीसरा वो कहां आ गया बेटा? अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया, c पोजीशन के ऊपर, ठीक है। देखो, यहाँ पे मास था, तो मैंने आप लोगों को बताया था मास नेवर चेंजेस प्लेस टू प्लेस, मास कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे भी इसका मास m रहेगा और यहाँ पे भी मास रहेगा m रहेगा। यहाँ तक बात समझ आई? डायग्राम में कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे हम करेंगे क्या, जब a से b पे आया तो लेट सपोज वो a से b पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए बेटा? लेट सपोज उसके ने डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी? x डिस्टेंस। तो ये h से x डिस्टेंस b पे आते आते क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पे अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस पहले h थी, ऊपर तक के, यहां से यहां तक की कितनी बचेगी बेटा? कितनी बचेगी? टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो ये आ जाएगी मेरे पास, दैट मींस h माइनस x हो जाएगी यहां तक की। कोई डाउट? a से b पे पहुंचने में x डिस्टेंस कवर करी तो b से c पे कितनी बचेगी? टोटल h थी, इतनी x हो गई, h में से x को माइनस कर दो, ये वाली निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब फ्री फॉल क्या करता है बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। मतलब नेट एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो देखो कैसे, सबसे पहले बात करूंगा पॉइंट ए की, ठीक है। पहले बात करेंगे हम पॉइंट ए की, एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे हमें क्या करना बेटा? डिस्कस करना है। तो देखो, यहां पर हाइट पे ऑब्जेक्ट इस तरीके से रुका हुआ है, तो रुका हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी? जीरो। तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा वेलोसिटी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास में? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और वी क्या है मेरा? जीरो। तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझ आई? तो यहां पे देखो,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए क्या होगी? ई के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हेयर वी इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास में, ई के इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। मतलब ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की कितनी रहेगी? हमेशा जीरो रहेगी, ठीक है। और बात करते हैं अब किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हम डिनोट करते हैं ई पी से। ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे है, तो हाइट के ऊपर जितनी ज्यादा हाइट होगी पोटेंशियल एनर्जी और कितना रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो ई पी कितना रह जाएगा, एम जी एच हमारे पास फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर वन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर टू। तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सो दी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी हो जाएगी, ई एट ए पॉइंट, एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। बात समझ आई? तो ए पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, हमेशा हमारी एम जी एच रहेगी। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें देखो बेटा कोई डाउट, फटाफट से देखेंगे इसमें कोई डाउट, समझ आया यहाँ तक, ठीक है। हमने किया क्या, ए पॉइंट पहले तीनों पॉइंट्स को कंसिडर किया, तो हमने सबसे पहले ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड की। ऑब्जेक्ट हाइट पर रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे मैक्सिमम होती है, उसकी वैल्यू होती है mgh, mgh रख दिया। तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी मतलब ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को सम किया, तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी निकल के आई हमारे पास में, mgh निकल के आई। समझ आया? अब बात करते हैं बी पॉइंट पे, कहाँ पे, अब यहाँ पे आ गए हम लोग। तो देखो यहाँ पे बेटा क्या होगा, एट पॉइंट बी पे हम लोग बात करते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, अब देखो ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा मोशन में आ चुका है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है, ई पी इज इक्वल्स टू एम जी, और H जो पहले H थी अब कितनी कम हो चुकी है, X कम हो चुकी है, तो यहाँ पे H को मैं क्या लिख दूंगा बेटा, H माइनस X लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तब H थी, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो अब हाइट कितनी बची है, H माइनस X, तो यहाँ पे H माइनस X रख दिया। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बाद में काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब सर इसमें से तो हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ना वी पता है ना एम पता है, एम तो एम ही तरह का, वी का पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मोशन की थर्ड इक्वेशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस, यही होती थी भाई, यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट जब चलने लगा था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, जीरो, तो u क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, v स्क्वायर, या मैं इधर आगे लिखता हूँ, v स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल्स टू टू ए एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। अब देखो a है ना, और ये क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो a की जगह हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, यहाँ पे g यूज़ करेंगे। a होता है लीनियर एक्सेलरेशन, जब भी हाई हॉरिजॉन्टल चलता हूँ तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी a को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, किससे रिप्लेस करूंगा बेटा, टू g, और s, s क्या है, ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चली, x डिस्टेंस चली, तो 2g x हो जाएगा यहाँ पे।
तो वी स्क्वायर की वैल्यू फाइनली हमारे पास में कितनी आई बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx। ठीक है, इस वी स्क्वायर की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो तो क्या होगा हमारे पास में, ई के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम इन टू वी स्क्वायर की वैल्यू 2gx हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो ई के कितना आएगा हमारे पास में, एम जी एक्स आ जाएगा ई के की वैल्यू। बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है, अब ई पी आ गया हमारे पास में, ई के आ गया हमारे पास में, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सो टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास में टोटल एनर्जी, यहां पे देखेंगे ई इज इक्वल्स टू ई के काइनेटिक एनर्जी प्लस ई पी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे ई के की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एम जी एक्स, एम जी एक्स प्लस ई पी की वैल्यू क्या है, एम जी एच माइनस एक्स, एम जी एच माइनस एक्स। तो देखो एम जी को मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर ब्रैकेट में, तो कितना आएगा एम जी एक्स ये वाला प्लस इसको इससे एच से मल्टीप्लाई करूंगा तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एक्स प्लस का ये रहा माइनस का ये रहा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी आएगी, एम जी एच आएगी। क्या ये सिमिलर है, क्या ये सिमिलर है एनर्जी एट पॉइंट ए की तरह, मतलब ए और बी पॉइंट पे एनर्जी क्या है, सेम है, कंजर्व है एनर्जी। बात समझ आई बेटा यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एक बार सब लोग देखेंगे, सब लोग फटाफट से देखेंगे, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किस पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा, थर्ड पॉइंट की, मतलब जमीन पे आ गए, अब सरफेस पे आ गए। तो देखो एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे देखो, जैसे ही सी पॉइंट पे आया तो एच कम होते 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 कितना हो गया, जीरो हो गया, कम होते होते कितना हो गया, जीरो हो गया। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, ई पी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एम जी एच, और एच कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, हेयर एच इज इक्वल्स टू जीरो, तो ई पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा हमारा। तो ई पी कितना हो गया पॉइंट सी के ऊपर, जीरो हो गया, कितना हो गया बेटा, जीरो। ठीक है, अब ई पी के बाद में पोटेंशियल एनर्जी के बाद में कौन सी एनर्जी फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब फिर से क्या करेंगे, वी फाइंड करेंगे, फिर से क्या करेंगे हम लोग बेटा, वी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जगह कम है हमारे पास में, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है बेटा, यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के लिए वी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के लिए वी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g। अब सी पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, तो कितनी ए से कहाँ तक डिस्टेंस चल के आ गया, एच डिस्टेंस चल के आ गया मैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेके चले थे अपन, जीरो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल्स टू 2gh हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, 2gh। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रख दूंगा मैं, इस फॉर्मूले में रख दूंगा। तो यहाँ पे देखो ई के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम इन टू वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो ई के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एम जी एच। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई जीरो, काइनेटिक एनर्जी आ गई एम जी एच। तो सी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी फाइंड करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ई एट सी इज इक्वल्स टू ई के प्लस
ई पी दैट इज ई के हो गया एम जी एच प्लस ई पी हो गया जीरो, तो सी पॉइंट पे भी हमारी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, एम जी एच हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, एम जी एच हो जाएगी। तो देखो ए पॉइंट पे एम जी एच आई थी, बी पॉइंट पे भी एम जी एच आई और सी पॉइंट पे भी कितनी आई है, एम जी एच आई। मतलब ये प्रूफ होता है कि फ्री फॉल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली अगर सरफेस की तरफ फॉल हो रहा है तो उसमें टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, या मैं बोल दूं सेम रहेगी हर पॉइंट के ऊपर। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी क्या बोलता था बेटा, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स सेम, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लॉस नहीं कर सकते कि एनर्जी कम हो जाए, ठीक है, वो इधर से उधर एक्सचेंज होती रहेगी। समझ आया बेटा, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पर्सनली इन्फॉर्म कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, मैं उसको भी यहाँ पे लेक्चर बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।